फ्रेंड्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अपने लेक्चर नंबर 5 के बारे में। लेक्चर नंबर 5 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के हम क्या क्या आज पढ़ेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे सेल इनवल्फ ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। जो सेल इनवल्फ होता है बैक्टीरिया का, वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। और जो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल इनवल्प की जो आउटर लेयर होती है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। और जो इसकी मिडिल लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो लेयर देखने को मिलती है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं, मिडिल लेयर होती है। और जो इनर साइड में देखने को मिलती है लेयर उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सबसे लास्ट में इसका जो हम ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे, अपने तीन चार टॉपिक पढ़ेंगे, इसका हम एनसीईआरटी पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अपना सेल इनवल्प ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। सेल इनवल्प ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक सेल इनवल्प ऑफ बैक्टीरिया। सेल इनवल्प ऑफ बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरियल सेल्स होती है, अगर हम बैक्टीरियल सेल्स की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया मीन्स प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और जो इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जो इसका इनवल्प होता है, वो केमिकल्स का बना होता है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का बना होता है। और बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, जो बैक्टीरिया का जो कवर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत जटिल संरचना होती है, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का बना होता है। कॉम्प्लेक्स मीन्स बहुत जटिल संरचना होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। और जो ये केमिकली कॉम्प्लेक्स है, जो केमिकल कॉम्प्लेक्स इनवल्प है, इसकी तीन लेयर देखने को मिलती है। हमने आपको बताया ये टाइटली बाउंड होता है, थ्री लेयर्ड होती है। आउटर लेयर बोलते हैं इसकी ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल लेयर्स होती है इसकी सेल वॉल, और जो इसकी इनर मोस्ट लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। टेक्निकली जो सेल मेम्ब्रेन है वही क्या है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं, उससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने अभी आपको क्या बताया, बैक्टीरिया के अंदर थ्री लेयर्स देखने को मिलती है। तो आपको इस डायग्राम के अंदर देखने को मिल रहा है, एक इसके अंदर व्हाइट लेयर्स है, एक इसके अंदर ग्रीन है, और एक इसके अंदर पिंक है। जो पिंक वाली लेयर है, जो पिंक वाली लेयर है वो आउटर लेयर है, जिसे हम कैप्सूल बोल रहे हैं। कैप्सूल क्या होता है बाद में बात करते हैं, अभी इसे बोलते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स। जो इसकी आउटर लेयर हमें पिंक वाली है देखने को मिल रही है, ये क्या है, इसकी ग्लाइकोकैलिक्स। हमने आपको बताया ग्लाइकोकैलिक्स होती है। उसके बाद क्या आती है, नंबर टू पे देखने को मिलती है हमें जो ग्रीन वाली है, ये इसे बोलते हैं हम सेल वॉल। और तीसरे नंबर की जो लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, ये व्हाइट वाली सेल मेम्ब्रेन। अब ये येलो, ये पिंक वाली, ग्रीन एंड व्हाइट, ये तीनों ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलाकर क्या बनाती है, ये तीनों लेयर्स क्या बनाती है, मिलके सेल इनवल्प बनाती है। ये क्या है, इसी को बोलते हैं हम सेल इनवल्प, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अभी कैप्सूल भूल जाओ, कैप्सूल क्या है अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। आप तो केवल इतना याद रखे कि आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल वाली लेयर सेल वॉल और बाहर की सेल मेम्ब्रेन होती है। ये प्लाज्मिड क्या होता है, राइबोसोम कैसे है, साइटोप्लाज्म, हम लास्ट लेक्चर में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये हम चार टॉपिक ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए थे। आज का हमारा मेन टॉपिक है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये ग्लूकोज ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम इंक्लूजन बॉडीज, ये भी हम आज ही पढ़ेंगे, इंक्लूजन बॉडीज आगे पढ़ेंगे इसको। अब आपको समझ में आ गया होगा, आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर लेयर ये वाली आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल वाली लेयर कौन सी है, सेल वॉल, और ये है हमारी अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलकर क्या करती है, प्रोटेक्टिव, जो बैक्टीरिया है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब बढ़ते हैं हम आगे। हमने अभी आपको क्या बताया,
जो सेल इनवलप होता है, सेल इनवलप क्या है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, क्या प्रोवाइड करता है इसे बैक्टीरिया को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और हमने अभी आपको बताया जो इसकी तीन लेयर्स होती है, ऑल थ्री लेयर्स आर केमिकली डिफरेंट, जो तीनों लेयर्स होती है, तीनों लेयर से क्या मतलब है हमारा, पहली ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी सेल वॉल और तीसरी सेल मेम्ब्रेन, तीनों डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स से मिलकर बनी होती है। अभी हम इनके केमिकल्स कौन से होते हैं उनकी डिटेल में हमें बात नहीं करनी है, हमारे ये स्कोप से बाहर है, कोई फायदा नहीं है। एंड हैव ए डिफरेंट फंक्शंस, और जो तीनों लेयर्स होती है इनके में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी देखने को मिलते हैं। ये फंक्शंस क्या होते हैं आगे भी बात करेंगे हम। ऑल थ्री लेयर्स वर्क एज प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने अभी आपको बताया है ये तीनों लेयर जो होती है ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तीनों का वर्क क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, क्या करती है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल इनवलप, जो हमने अभी आपको बताया जो सेल इनवलप होता है तीन लेयर का बना होता है, उसके बेस पर हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं। इसके बेसिस पर बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम निगेटिव, और इस टेक्निक को किसने दिया था, ये टेक्निक ग्राम विज साइंटिस्ट थे, ग्राम उसने इस टेक्निक को दिया था। एंड हाउ बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग टेक्निक गिवन बाई ग्राम विज, बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स, हमने अभी आपको बताया सेल इनवलप के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग के बेसिस पर, स्टेनिंग टेक्निक और सेल इनवलप के बेसिस पर बैक्टीरिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो आंसर होगा टू, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और ये स्टेनिंग टेक्निक क्या है, ये स्टेनिंग टेक्निक क्या है जो क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ये क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेल इनवलप ऑफ बैक्टीरिया के अंदर ही जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं जो रिटेन को स्ट्रेन कर लेते हैं, जो स्ट्रेन को रिटेन कर लेते हैं, जो स्ट्रेन, स्ट्रेन का मींस आप जो कलर होता है, जो कलर हम प्रोवाइड करते हैं उसे स्ट्रेन बोल रहे हैं हम, ऐसा आप फिलहाल याद रख सकते हो। और ग्राम निगेटिव क्या होते हैं, जो स्ट्रेन को रिटेन नहीं कर पाते उन्हें हम ग्राम निगेटिव बोलते हैं, मतलब काउंटर स्ट्रेन के बाद। अभी हम इसका एक डायग्राम समझते हैं, उसकी हेल्प से आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब जो ग्राम स्ट्रेनिंग टेक्निक जो बैक्टीरिया की किसने दी थी, ग्राम विज साइंटिस्ट ने दी थी, क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट ने दी थी। अब ये टेक्निक क्या है, इस टेक्निक को हम समझ लेते हैं, ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, ये टेक्निक क्या है समझ लेते हैं। हमें दो प्लेट दी है, बैक्टीरिया की प्लेट दी है हमें, हमें इनमें से सेलेक्ट करना है कौन सी ग्राम, हमें अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता कि कौन सी ग्राम पॉजिटिव है कौन सी ग्राम निगेटिव है, हमें स्टार्टिंग में नहीं पता है। तो हमें कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी प्लेट हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की है और कौन सी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास दो प्लेट है, हम यहां पर क्रिस्टल वायलेट कलर, हमें क्रिस्टल वायलेट कलर का इसे क्या है स्ट्रेन देते हैं, क्रिस्टल वायलेट कलर का इसे हम स्ट्रेन देते हैं। इसका क्या मतलब है, आप ऐसा समझ सकते हो कि दोनों जो प्लेट है उसको हमने वायलेट कलर है जो वो दे दिया है, तो इनका वायलेट कलर हो चुका है, आपको व्हाइट देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए ही हम क्या करते हैं, आयोडीन को लेके आते हैं। आयोडीन क्या काम करता है, आयोडीन स्ट्रेन को फिक्स करता है, स्ट्रेन को फिक्स करता है। स्ट्रेन फिक्स करने से क्या मतलब है, स्ट्रेन फिक्स करने से मतलब है जो बैक्टीरिया अभी कंप्लीटली वायलेट कलर के नहीं हुए हैं, ये कंप्लीटली पूरी प्लेट को वायलेट कर देता है, ये क्या कर देता है स्ट्रेन को फिक्स कर देता है, ये पूरी प्लेट को वायलेट बना देता है। अब हमारे दो काम हो चुके हैं, सबसे पहले हमने इसे वायलेट कलर दे दिया है,
फिर हमने जो बैक्टीरिया वायलेट कलर नहीं ले पाए थे, आयोडीन इसका काम करता है, पूरी प्लेट को वायलेट कलर दे दिया जाता है। अब क्या होता है, अब आता है एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, एसीटोन भी ले सकते हैं हम, एल्कोहल के साथ साथ में हम एसीटोन भी ले सकते हैं। इसका क्या काम होता है, ये काउंटर स्टेन का काम करता है, इसका काम होता है काउंटर स्ट्रेन। काउंटर स्ट्रेन से क्या मतलब है, काउंटर स्ट्रेन से मतलब है हमारे जो ये अभी वायलेट कलर हो चुके हैं, इस एल्कोहल देने पर क्या होता है, जो इनका कलर होता है वायलेट कलर है वो उड़ जाता है, वायलेट कलर ये अपना लूज कर देते हैं। जो बैक्टीरिया अपना वायलेट कलर लूज कर देते हैं, ध्यान से सुनना, जो बैक्टीरिया अपना वायलेट कलर लूज कर देते हैं उन्हें हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया अपना वायलेट कलर लूज नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। उन्हें क्या बोलते हैं, हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो यही बात लिखी थी वहां पर हमने, जब अभी टेक्स्ट पढ़ा था इससे पिछले वाला जो स्लाइड पढ़ी थी उसमें यही लिखा था, जो अपना कलर लूज कर देते हैं वे होते हैं ग्राम निगेटिव काउंटर स्ट्रेन के बाद, और जो काउंटर स्ट्रेन के बाद अपना कलर लूज नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। उन्हें क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लास्ट में आता है रोल सेफरिनिन का, सेफरिन का रोल आता है बाद में। इसका काम क्या होता है, ये बैकग्राउंड को क्लियर करता है। इसका काम क्या होता है, ये बैकग्राउंड को, जिससे बैकग्राउंड क्लियर करने से मतलब है जो बैक्टीरिया हमारे ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बने हैं इसे ये क्लियर करके दिखाता है हमें कि कौन ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव को हम अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सके, इसका ये रोल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव क्या होते हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव वो होते हैं काउंटर स्ट्रेन के बाद, काउंटर स्ट्रेन के बाद जो अपना कलर लूज कर देते हैं उन्हें हम ग्राम निगेटिव बोलते हैं, और जो काउंटर स्ट्रेन के बाद अपना कलर लूज नहीं करते हैं उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ये बात ही एनसीईआरटी के अंदर लिखी गई है। काउंटर स्ट्रेन के लिए हम किसका यूज करते हैं, एल्कोहल या एसीटोन का यूज हम करते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स भी बता सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट हमें हमारे सिलेबस में वे नहीं है, हमें उनको नहीं करना है। मैं लिखवा सकता हूँ आपको ग्राम पॉजिटिव के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, फ्रेंकिया होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसियस हम लिखवा सकते हैं। ग्राम निगेटिव के एग्जाम्पल्स होते हैं माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, एस्चेरिया कोलाई वगैरह, ये ग्राम निगेटिव के एग्जाम्पल्स होते हैं, बट हमें उनको नहीं करना है क्योंकि वे एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया की उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको डायग्राम की हेल्प से समझा दिया था। इट डिफर्स इन द कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस, ये कॉम्पोजिशन और थिकनेस के रूप में वेरी कर सकती है। जैसे कि अगर हमने आपको बताया था, अगर ये लूज शीट की फॉर्म में हो, मीन्स लूज शीट की फॉर्म में हो तो इसे स्लाइम लेयर बोलते हैं, एंड इन द फॉर्म ऑफ थिक टफ, अगर ये थिक हो और टफ हो ग्लाइकोकैलिक्स तो इस ग्लाइकोकैलिक्स को ही बोलते हैं हम कैप्सूल। इस ग्लाइकोकैलिक्स को ही हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। हमने आपको बताया था कि कैप्सूल के बारे में भी आपको ध्यान नहीं रखना है, क्या है वो ग्लाइकोकैलिक्स था। और ग्लाइकोकैलिक्स हमें दो फॉर्म में देखने को मिलता है, पहली फॉर्म होती है इसकी स्लाइम लेयर और दूसरी फॉर्म होती है इसकी कैप्सूल। क्या होता है, बैक्टीरिया के जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है दो फॉर्म में देखने को मिलती है, पहली स्लाइम लेयर दूसरी कैप्सूल। स्लाइम लेयर क्या है, जब ग्लाइकोकैलिक्स हमें लूज शीट की फॉर्म में देखने को मिलती है तो स्लाइम लेयर बनाते हैं, और जब ये थिक और टफ बनाती है, थिक और टफ कवरिंग बनाती है तो इसे क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। इसके डायग्राम भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स हमें दो फॉर्म में देखने को मिलती है, एक होती है स्लाइम लेयर, पहली होती है स्लाइम लेयर, और दूसरी होती है ये कैप्सूल।
कैप्सूल क्या है, अगर ये टफ लेयर बनाती है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, टफ लेयर बनाती है, तो उसे बोलते हैं हम कैप्सूल। और अगर यह लूज शीट की फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, अगर ये हमें लूज शीट की फॉर्म में देखने को मिलती है, तो इसे बोलते हैं हम स्लाइम लेयर। टफ लेयर बनाती है तो कैप्सूल, और क्या की बात कर रहे हैं हम, ग्लाइकोकैलिक्स की दो फॉर्म, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। अब इसका हम एक और डायग्राम देख लेते हैं, स्लाइम लेयर और कैप्सूल का ही हम डायग्राम देख लेते हैं। अब इस तरीके से देखने को मिलता है, ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, जो ग्लाइकोकैलिक्स है आउटर लेयर बैक्टीरिया की, वो ऐसे दो फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। पहली कैप्सूल, ये कैप्सूल कैसा है, ये थिक है, ये कैसा है, थिक एंड टफ आपको देखने को आपको दिख रहा होगा कि ये थिक एंड टफ लेयर है। और स्लाइम लेयर की फॉर्म में भी देखने को मिलता है, स्लाइम लेयर ये कैसा है, लूज फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है, ये लूज शीट की फॉर्म में हमें, शीट कवरिंग, शीट मींस इसकी कवरिंग, जो शीट फॉर्म में, इसके लूज शीट की फॉर्म में देखने को मिलता है। हमने इसके दोनों डायग्राम भी देख लिए हैं, किसके, ग्लाइकोकैलिक्स की, ये दो फॉर्म है। अब बात करते हैं हम बैक्टीरिया की सेल वॉल। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, अभी हमने जो आउटर लेयर है वो हमने पढ़ ली है, अब बात कर रहे हैं हम उसके अंदर वाली लेयर जो सेल वॉल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इट प्रोवाइड द शेप ऑफ सेल्स, ये बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करती है। क्या करती है, जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया को उसकी शेप प्रोवाइड करती है। और बैक्टीरिया को किससे बचाती है, ये बैक्टीरिया को ब्रस्ट होने से, ब्रस्टिंग से मींस फटने से और कोलैप्स होने से बचाती है, ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से बचाती है। क्या क्या काम करती है सेल वॉल, सेल वॉल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेप्टिडोग्लाइकन की बैक्टीरिया के अंदर बनी होती है। और क्या काम होता है सेल वॉल का, सेल वॉल का काम होता है शेप प्रोवाइड करना सेल की, सेल को, जो बैक्टीरिया की सेल है, जो बैक्टीरिया की सेल है उसे शेप प्रोवाइड करती है, ब्रस्टिंग से बचाती है, फटने से बचाती है, कोलैप्स होने से ये बचाती है। इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार फिर। अभी हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो है हमारी सेकंड वाली लेयर, जो ग्रीन लेयर है ये, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है, ग्रीन लेयर है, सेल वॉल है, सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन की ये बनी हुई है। क्या करती है ये, काम क्या करती है ये, जो सेल वॉल होती है इसका क्या काम होता है, इस सेल वॉल ये शेप प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को ये शेप प्रोवाइड करती है, ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से बचाती है, ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से सेव करती है बैक्टीरिया को। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम तीसरा क्या डिस्कस करेंगे, जो इसकी अंदर वाली लेयर है सेल मेम्ब्रेन, अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम जो इसका सेल इनवेलप होता है उसकी थर्ड लेयर। थर्ड लेयर क्या है इसकी, इसकी थर्ड लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है ये स्पेसिफिक या सर्टेन आयन और मोलिक्यूल्स, सर्टेन आयन या मोलिक्यूल्स को ही ये पास होने देती है, कैन पास
थ्रू कैन पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस चीज का क्या मतलब है? केवल इससे सर्टेन या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या आयन ही इससे पास हो सकते हैं। ऐसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो केवल कुछ स्पेसिफिक या कुछ सर्टेन आयन या मॉलिक्यूल को ही अपने अंदर से पास होने देती है। ऐसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, जो केवल स्पेसिफिक या कुछ सर्टेन आयन या मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर से पास होने देती है। ऐसी मेम्ब्रेन बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। और ऐसा किस तरीके से होता है? इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से करती है। कैसे? एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट और होता है फैसिलिटेशन। एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट हमें और देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो अभी हमारा क्या कर रहे हैं हम? पहले हम एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसके अंदर एनर्जी लगती है, जिसके अंदर एनर्जी लगती है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसके अंदर एनर्जी नहीं लगती है, जिसके अंदर एनर्जी नहीं लगती है। तो हमारा कहने का क्या मतलब है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बैक्टीरिया की, वो अपने अंदर कुछ मॉलिक्यूल या आयन को ही आर पार होने देती है। सभी मॉलिक्यूल या आयन को वो अपने आर पार नहीं होने देती, केवल कुछ मॉलिक्यूल आयन को ही आर पार होने देती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल। और जो इसके अंदर कैसे है? मतलब आर पार किस आर पार होने देती है, बट आर पार कैसे होती है? क्या उसके अंदर एनर्जी लगती है? अगर उसके अंदर एनर्जी लगती है आर पार होने में, अगर आर पार होने में एनर्जी लगती है, तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और आर पार होने में अगर एनर्जी नहीं लगती है, तो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो यही लिखा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज सेलेक्टिवली परमिएबल। दिस मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकेरियोटिक सेल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसमें लिखा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, वो स्ट्रक्चरली यूकेरियोट सेल्स जो होती है, जो यूकेरियोट सेल होती है जिनके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, उनके ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग हर ऑर्गेनिज्म की ही सेम होती है कंपोजिशन के मामले में, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन ही हमें देखने को मिलता है, बट सेल वॉल डिफरेंट होती है। अब हम इसका एनसीईआरटी पोर्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं। सेल इनवल्फ एंड इट्स मॉडिफिकेशन के अंदर जो एनसीईआरटी पोर्शन है वो हमने जो पढ़ा है, क्या वो एनसीईआरटी से रिलेटेड था या नहीं, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली लाइन, द मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स मींस बैक्टीरिया वगैरह की बात करें, लिखा है अगली लाइन में, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरियल सेल्स की मेनली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं, वे भी बैक्टीरिया ही है। हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स इनवल्फ, हमने आपको बताया था एक केमिकली कॉम्प्लेक्स इनवल्फ हमें देखने को मिलता है, डिफरेंट केमिकल से बनी हुई एक जटिल संरचना, जटिल कवर इसके ऊपर हमें देखने को मिलता है। द सेल इनवल्फ कंसिस्ट ए टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर, हमने आपको बताया था कि एक टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। सबसे बाहर क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद क्या देखने को मिलती है? फॉलोड बाई सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है? सेल वॉल आता है। और नंबर थ्री पर, पहले नंबर पर ग्लाइकोकैलिक्स हमने आपको बताया था, दूसरे नंबर पर सेल वॉल, और नंबर थ्री पे आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी सेल वॉल, तीसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर्स ऑफ इनवल्फ परफॉर्म द डिस्टिंक्ट फंक्शन, जबकि जो तीनों लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तीनों लेयर अपना डिफरेंट फंक्शंस करती है। बट
दे एक्ट टुगेदर एक्ट ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, बट ये तीनों लेयर मिलकर ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं, ये एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती है, मींस जो बैक्टीरिया है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसिस इन सेल इनवल्फ एंड मैनर इन दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाई ग्रामवीज। ये लाइन वही लिखी है कि हम जो सेल इनवल्फ हमारा बना है उस सेल इनवल्फ के बेसिस पर, सेल इनवल्फ क्या है, तीन लेयर देखने को मिल गया, ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन, इसके बेसिस पर और जो स्टेनिंग टेक्निक दी थी, स्टेनिंग प्रोसीजर टेक्निक दी थी, जो किसने दी थी, क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, उसके बेसिस पर हम बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट टेक्स अप स्टेन और ग्राम पॉजिटिव, जो स्ट्रेन को ले लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं लेते उन्हें क्या बोलते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। स्ट्रेन लेने से क्या मतलब है, स्ट्रेन लेने से मतलब है काउंटर स्ट्रेन के बाद, जो काउंटर स्ट्रेन है, काउंटर स्ट्रेन के बाद जो कलर रखते हैं, काउंटर स्टेन के बाद जो कलर रखते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो कलर लूज कर देते हैं उन्हें हम ग्राम निगेटिव बोलते हैं। अब अगला, जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स डिफरेंट होता है कंपोजिशन एंड थिकनेस में अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अगर यह लूज शीट की फॉर्म में देखने को मिलता है इसे क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर, जबकि अगर यह थिक एंड टफ लेयर बनाता है इसे बोलते हैं हम कैप्सूल। डायग्राम भी दिखा दिए थे आपको। जो सेल वॉल होते हैं डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल्स, सेल वॉल क्या करती है, सेल की क्या है, शेप प्रोवाइड करती है, एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट फ्रेमवर्क इसका बनाता है जो ब्रस्टिंग व कोलैप्सिंग से इसे बचाता है, फटने और कोलैप्स होने से इसे बचाता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, यह अपने अंदर सभी चीजों को आर पार नहीं, सभी मॉलिक्यूल या आयंस को आर पार नहीं आने देती है, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या आयंस को ही आर पार आने देती है, अंदर या बाहर आने या जाने देती है। इंटरेक्ट विद आउटर वर्ल्ड के साथ ये इंटरेक्ट करता है। दिस मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली दैट ऑफ यूकेरियोट्स, और इस जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो यूकेरियोट्स के साथ, यूकेरियोट्स के साथ स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है। जैसी स्ट्रक्चर यूकेरियोट सेल्स की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ऐसी स्ट्रक्चर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। तो थैंक यू बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और जो इसका क्या है, इसका पीडीएफ नोट्स है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जो इसका फिलामेंट, इसका फ्लैजिला होता है, फिलामेंट, हुक, वेसल, बॉडी वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद हम इसकी डीपीपी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो और इस लेक्चर के अंदर प्रिंटिंग एरर्स थी कुछ, उसमें स्टेन की जगह स्ट्रेन लिखा गया था, तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में डालकर भी ठीक कर दूंगा, आपको इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर, बाय।